सियासी रोटी सेकना बंद करें। शिवपाल यादव का बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार। यूपी के देवरिया जिले में जमीनी विवाद में 6 लोगों की हत्या कर दी गई। ये विवाद प्रेमचंद यादव और सत्यप्रकाश दुबे के परिवार के बीच था। इस मामले को लेकर यूपी में सियासी घमासान मचा हुआ है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम न्यूज, मैं तुषार आपके साथ। देवरिया हत्याकांड को लेकर बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी की ओर से दिए गए बयान के बाद प्रदेश की राजनीति गर्मा गई। अब सपा नेता शिवपाल यादव ने बीजेपी विधायक के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने सोमवार यानी कि 9 अक्टूबर को एक्स पर पोस्ट किया, लिखा, देवरिया कांड पर विधायक कह रहे हैं कि अगर सपा की हैसियत है तो उनकी 1000 जांच करा ले। विधायक जी, सपा तो विपक्ष में है, आप सियासी रोटी सेकना बंद करें। प्रशासन की जवाबदेही है, वे जिम्मेदारी है, ये तय करा ले। शिवपाल यादव ने आगे कहा, अगर पीड़ितों को निष्पक्ष न्याय दिलाने की आप में हैसियत है तो न्याय जरूर दिला दे। दरअसल देवरिया कांड में मारे गए सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के सदस्यों के लिए श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। इस दौरान बीजेपी विधायक शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा था कि देवरिया हत्याकांड के आरोपियों की जांच करें तो थाने थानों में उनकी हिस्ट्री शीट खुली मिलेगी। शलभ मणि त्रिपाठी ने क्या कहा था आपको बताते हैं। शलभ मणि त्रिपाठी ने कहा था कि सत्यप्रकाश दुबे के परिवार का इतिहास खंगाल कर देख लीजिए, आपको कोई केस नहीं मिलेगा। जिन लोगों ने अपराध किया है उनके खिलाफ कई मामले हैं। ये लड़ाई एक बेबस परिवार बनाम भूमाफियाओं की थी। ये लड़ाई अन्याय के खिलाफ है, किसी समाज के खिलाफ नहीं। समाजवादी पार्टी को दी थी चुनौती। जी, उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी के गुंडे मेरे ऊपर आरोप लगाते हैं, कहते हैं कि विधायक ने हत्या कराई है, कहते हैं कि देवेश दुबे हत्यारा है। मैं चुनौती देता हूं, तुम्हारी हैसियत है तो 1000 जांच करा लो। प्रदेश की जनता ने तुम्हारा गुंडा राज देखा है, हम तुम्हारी धमकियों से डरने वाले नहीं। बता दिए, देवरिया जिले के रुद्रपुर थाना क्षेत्र के फतेहपुर गांव में बीती 2 अक्टूबर को पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की गांव के रहने वाले सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार द्वारा कथित तौर पर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद प्रेम यादव के समर्थकों ने दुबे समेत उनके परिवार के 5 सदस्यों की हत्या कर दी थी। दोनों परिवारों में जमीन को लेकर झगड़ा चल रहा था और अब इस मामले को लेकर उत्तर प्रदेश में राजनीति काफी ज्यादा गर्माती जा रही है। अब आप इस पूरे प्रकरण पर क्या सोचते हैं, क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज। धन्यवाद।